एपीएस टीके के हाफ ईयरली का पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में जो सिलेबस यूज किया गया है उसमें सेकेंड बुक कंप्लीट था और फर्स्ट बुक से चैप्टर 1 एंड 2 मतलब सोलूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे जिसमें कुल 16 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और 4 एसर्शन रीजन है। तो चलिए देखते हैं उसमें प्रॉब्लम्स कौन से आए हुए हैं और उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, डेल एम एन एच फोर ओ एच इज इक्वल टू। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आपको बतानी है तो उस कंडीशन में कोहलास लॉ हम लोग यूज करेंगे, जिसमें आपको चेक करना है एक इलेक्ट्रोलाइट जो अमोनियम आयन देगा, एक इलेक्ट्रोलाइट जो ओ एच आयन देगा, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है और इन इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो दूसरा इसका कंप्लीमेंट्री आयन्स होगा उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसमें देखो ये आपका एन एच फोर दे रहा है, ये ओ एच दे रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो NaCl माइनस होना चाहिए, यहाँ पे NaCl माइनस भी हुआ है इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.15 m सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इफ इट्स कंडक्टिविटी इज दिस। यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल एम सी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे 0.0152 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग कंसंट्रेशन 0.15, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 101, इसलिए इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिजारो रिएक्शन हमेशा वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है, मींस एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सीएचओ ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है उसी को हम लोग एल्फा कार्बन कहते हैं, उसी पे एल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये वाला एल्फा कार्बन है जिसपे 4 बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। यहाँ पे भी ये वाला एल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे ये रिंग बता रहा है कि डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी देगा। एस सी एच ओ में भी एल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके साथ एल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं, इसलिए ये भी कैनिजारो देगा। सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ में सी एच ओ के साथ वाला जो कार्बन है वो एल्फा है जिसपे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है इसलिए कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो आपसे कह रहा है कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन। जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर किसी गैस को आप डिसॉल्व करते हो जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो रिलीज होगा, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक का एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी वाला। इसका सेकेंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं, जब आप यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करते हो तो गैस बाहर रिलीज होता है, और टेम्परेचर को कम करते हो तो गैस और डिजॉल्व हो जाता है, मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड ऑन हीटिंग दिस विद एच आई। जब किसी भी ईथर को आप हीट करते हो एच आई के साथ तो हमेशा एच उसके साथ जाएगा जहां पे एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी में, प्राइमरी सेकेंडरी तक कुछ भी होगा, बड़ा ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे टर्सियरी आ जाता है तो उसके साथ हमेशा आपको आई प्लेस करना होता है। यहाँ पे जो ईथर है उसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप ये है जो टर्सियरी है, यहाँ पे एक तरफ ये प्राइमरी है, तो टर्सियरी के साथ हमेशा क्या होता है, आई आता है, इसलिए बॉन्ड आपको यहां से ब्रेक करना होगा, एक तरफ आ जाएगा सी एस थ्री थ्राइस सी के साथ आई, एक तरफ आ जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच। ऑप्शन ए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा इसलिए ए करेक्ट है। 6 है, स्कर्वी इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ।
स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको जब आप डालते हो वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर एसिड अपने प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देता है बेस को, जिसकी वजह से सेम कंपाउंड के अंदर वहां पे कैटायन और एनायनिक दोनों पार्ट जनरेट हो जाते हैं, और उसी को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फेनिलिक एसिड है, सल्फेनिलिक एसिड में बेंजीन के ऊपर एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है और एक तरफ SO3H। दिस वन इज द एसिडिक ग्रुप एंड दिस वन इज द बेसिक ग्रुप। एंड व्हेन इट इज एडेड इनटू वाटर मींस इन एक्वस मीडियम, इट ट्रांसफर देयर प्रोटॉन टू द NH2 ग्रुप, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन SO3 नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव। दिस वन इज द ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन यहाँ पे सल्फेनिलिक एसिड बना रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे लगा हुआ है, यानी एक डबली बॉन्डेड कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और उसके बाद है CH3 दो बार इस तरीके से। तो एक तो ये जो आपका कंपाउंड है ये टर्सियरी है, टर्सियरी ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा ये डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अटैच है। जब कोई डबली बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, और डबली बॉन्डेड के नेक्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, इसलिए ये एलाइलिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा दैट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप एज ओ एच एट द टर्मिनल आफ्टर रिएक्शन विद PCl5 गिव हैलाइड आफ्टर द रिमूवल ऑफ ओ एच बाई हेलोजन। जो पी होगा वहां पे इस ओ एच को हटा के वहां पे सीएल लगा देना है, तो बेंजीन रिंग के साथ CO और सीएल आ जाएगा। अब इसके बाद जब इसका रिएक्शन NH3 के साथ कराएंगे यहाँ पे अब अमोनोलिसिस हो गया, और जब अमोनोलिसिस होता है तो क्या होता है, यहाँ से सीएल और एक एच HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, मतलब ये अमाइड बन जाएगा। एंड व्हेन अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन KOH मीन्स हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में CO यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन कंटेनिंग NH2 ग्रुप एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन। दैट्स व्हाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन इज एनिलीन, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर व्हेन स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द साइक्लिक स्ट्रक्चर, देन द कार्बन नंबर 1 कंटेन वन ओएच ग्रुप एंड वन एच ग्रुप। इफ ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट द राइट साइड देन इट इज कॉल्ड एल्फा ग्लूकोज, एंड वेन ओ एच ग्रुप प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड देन इट इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज, एंड दीज टू टाइप ऑफ ग्लूकोज आर एग्जाम्पल ऑफ एनोमर्स, दैट्स वाई द आंसर इज सी, मीन्स दीज टू आर एनोमर्स ऑफ द ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 11, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वी हैव टू डिफरेंट रिएक्शंस इन विच हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एंड आयोडीन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इन विच द फर्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट रिएक्शन इन विच सम अदर हैलाइड्स आर एक्सचेंज बाय फ्लोरीन, एंड इन फिंकल स्टेन रिएक्शन सम अदर हेलोजन आर एक्सचेंज बाय आयोडीन। So the answer of this problem is Swart reaction because in this we obtain the alkyl fluoride. Question number 12. Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol? What is ethanol? Ethanol is the 2-carbon containing compound having functional group as OH.
सेकेंड पे फिनाइल है, इसलिए यहां से एक एच हटाना है और इसी पे आपको लगा देना है बेंजीन। और जब आप सेकेंड पे बेंजीन लगा दोगे तो ये जो एल्कोहल है ये एल्कोहल प्राइमरी ही रहेगा, और जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देते क्योंकि यहाँ पे टर्बिडिटी आती ही नहीं है, इसलिए आपको लिख देना है नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व। ये तो हो गए आपके 12 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आगे चार हैं एसर्शन रीजन, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसमें पहला कह रहा है एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे एल्कोहल में कार्बन के साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसमें जब आप OH ग्रुप को ब्रेक करते हो तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर जाता है, O के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और इस कंडीशन में बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो ये OH- के फॉर्म में बाहर जाता है, तो कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई द एल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एसर्शन वाला ठीक है। दूसरा कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये गलत है। जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मीन्स एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 है कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिक्रीज करने का मतलब हो गया हम डायलूशन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और डायलूशन बढ़ाने से तीन टाइप की जो कंडक्टिविटी है जिसमें एक आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ऑन डायलूशन, मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए स्टेटमेंट हम सही मान सकते हैं। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करेंट इन द सोल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के रीजन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है 1 cm² और इसके बीच का हम जो प्लेस है यानी डिस्टेंस है उसको रखते हैं 1 cm, इसलिए इसी के बीच में जो वॉल्यूम होगा उसी की कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कंडक्टिविटी ऑफ द 1 cm³ वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब आप डाइल्यूशन कर दोगे तो इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो 14 में दोनों करेक्ट हैं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15 है कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी फिनॉल से ज्यादा होती है, ये करेक्ट है क्योंकि इसके पीछे रीजन है कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी, ये ज्यादा पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और H+ को रिलीज कर देता है। दूसरा है फिनॉल आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसके रिस्पेक्ट में बोला है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसको मेंशन करना चाहिए, वैसे ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए हम इसको करेक्ट मानेंगे रीजन को। एसर्शन भी सही है लेकिन इन दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, इसलिए लिख देंगे बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाइट्रिक एसिड और वाटर को जब आप मिक्स करते हैं इसका अपना एक परसेंटेज भी है 68% एंड 32%, तब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है वो भी मैक्सिमम बॉइलिंग टाइप का, बिकॉज आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू एक्स्ट्रा इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इसलिए यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है, इसलिए एसर्शन करेक्ट है। द एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये तो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, इसलिए इसको हम लिख देंगे दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मीन्स ऑप्शन बी। ये तो हो गया पूरा सेक्शन ए, अब सेक्शन बी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।